हमारे फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम है, तो स्पीकर प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जैसे हमारे जो फ़ोन की स्पीकर है नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारा जो वीवो फ़ोन है, ये फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना, और स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन ही आएंगे। सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। जो फ़ोन की हीटिंग की प्रॉब्लम है, तो फ़ोन हीटिंग प्रॉब्लम सॉरी फ़ोन स्पीकर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली हमारी फ़ोन सेटिंग्स से शो हो गई है, शो हो गई है। तो आपको सिस्टम सॉरी आपको जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन ही आएगी। जो साउंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, साउंड वगैरह हमारे फ़ोन में नहीं आ रहा सही तरीके से, तो इसको आपको इस पे जाना है और डू नॉट डिस्टर्ब्स को ऑफ कर देना है। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब्स है, इसके जरिए हमारी साउंड में प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी कभार हमारा साउंड है ऑफ हो जाता है और शो नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसको आप ऑफ कर देंगे तो जो हमारी साउंड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इसको ऑफ करके भी आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके फ़ोन में फिर भी आपके फ़ोन में स्पीकर की आवाज़ नहीं आती है, तो सिंपली फिर आपको यहाँ से फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा। सिंपली आपको प्रेस करना है फ़ोन पावर बटन को, प्रेस करते ही आपके पास ही कुछ आइकन्स आ जाएंगे, जिसमें से आपको फिर रीस्टार्ट ऑप्शंस पे टैप कर देना है। तो जो हमारा फ़ोन है रीस्टार्ट हो जाएगा, और रीस्टार्ट होते ही कुछ ही देर में जो हमारी फ़ोन की स्पीकर की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर में जो हमारा फ़ोन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। तो आप देखते हैं कि जो हमारा फ़ोन है ऑन हो चुका है, बस आपको थोड़ी देर इंतज़ार करके स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी टाइम लग रहा है, तो हमें थोड़ी इंतज़ार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन है ऑन हो चुका है, जो हमारी स्पीकर प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुकी होगी, क्योंकि हमने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया है। जो भी हमारा स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन में सही तरीके से काम करने लगा होगा। आप देखते हैं कि फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ से स्पीकर टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर जाते हैं फ़ोन आइकन्स पर, यहाँ से इस तरीके से स्पीकर को टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से सेटिंग्स पे जाकर भी टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ से आप जाते हैं साउंड ऑप्शंस पे, तो यहाँ से आप इसके ज़रिए वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। देख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।